वेलकम है के 44 नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ कैप्टन 10 का रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। जिन लोगों ने एग्जाम दिया है वो अपना रिजल्ट देख पाएंगे। कैसे देख पाएंगे वही मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर दो दो ऑप्शन दिए गए हैं, जिससे आप सिंपली यहाँ पर अपना रिजल्ट और एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। देख सकते हैं टीयर 1 फर्स्ट रिजल्ट हो देख रहा है, यहाँ पर डाउनलोड टीयर 2 के लिए एडमिट कार्ड भी दिया गया है। तो चलिए मैं यहाँ पर डाउनलोड करके दिखाता हूँ। इसका साइट थोड़ा बिजी चल रहा है, इस वजह से काफ़ी लेट हुई हो रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे, अपना रिजल्ट को देख पाएंगे। तो अब जैसे ही इस वेबसाइट पर आएंगे अपना रिजल्ट को देखने के लिए, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो रिजल्ट को देखने के लिए आपको सिंपली मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, जहाँ से आप सिंपली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि यहाँ पर आपको जिस भी पोस्ट पर आपने अप्लाई किया होगा उस पोस्ट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरे पास अभी डाटा अवेलेबल है फायरमैन के लिए, तो फायरमैन का अपलोड करता हूँ। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर देना होगा, तो मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ से दे देता हूँ। जैसे देने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ को लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ कैप्चा थोड़ा आने में लेट हो रहा है, जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर कैप्चा आने में कभी कभी लेट हो रहा है, तो थोड़ा वेट करना है या तभी आपका यहाँ पर हो पाएगा। तो चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ को डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ को डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर कैप्चा को डाल करके फिलअप करना है। तो चलिए मैं घर का आपको दिखलाता हूँ। तो जैसे जैसे आप जानते होंगे कि इसका साइट थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन जो भी है बढ़िया ही है, अभी काम चल जा रहा है। तो चलिए मैं आपको करके दिखलाता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पर कैप्चा को डाल देता हूँ। कैप्चा को डालने के बाद आपको सिंपली लॉगिन करके मैं दिखलाता हूँ। मे भी हो सके यहाँ पर साइट स्लो है, तो थोड़ा टाइम भी लगे, इस वजह से आपको थोड़ा वेट भी करना होगा। तो चलिए मैं सबमिट वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। सबमिट वाले बटन पर क्लिक करूँगा, इसका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। तो जैसे ही आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा, यहाँ पर नेक्स्ट पेज आने पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आपका आवेदन नंबर दिखला देगा, यहाँ पर आपका जो भी होने वाला, फिर नाम दिखाएगा, फिर आपका फादर नेम दिखाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाएगा, और उसके बाद आपको सिंपली इसका नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं आप कौन से कास्ट से आते थे वो भी दिखलाएगा। यहाँ पर OBC दिखा रहा है, कौन सा पोस्ट है वो भी दिखा रहा है, कौन सा पोस्ट कोड है वो दिखा रहा है, आपका टीयर प्रेस्टीज स्कोर कितना है जो दिखा सकता है। देखिए स्कोर में यहाँ पर बताया गया है कि 74.83.02619 स्कोर यहाँ पर होने वाला है। तो सो गाइस देख सकते हैं मेरा यहाँ पर स्कोर का, यहाँ पर बात करें तो टीयर फर्स्ट पासपोर्ट स्कोर यहाँ पर दिया गया है। स्कोर में यहाँ पर नीचे में आपका लिख दिया गया CBTS स्टेटस, जैसे कि स्नातक स्कोर शारीरिक उपकरण एवं क्षमता परीक्षण जहाँ भी लागू होता है वह परीक्षा के लिए चयनित नहीं किया गया। जैसा कि आप जानते हो कि शॉर्ट लिस्ट यहाँ पर नहीं किया गया, यहाँ पर लिखा हुआ है नो शॉर्ट लिस्ट फॉर टीयर सेकंड स्किल फिजिकल फिटनेस एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब यहाँ से आपको क्या देखना होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं चेकआउट टू टीयर कट ऑफ स्कोर देख सकते हैं। तो कट ऑफ स्कोर पर बड़े बटन पर क्लिक करेंगे, कट ऑफ स्कोर वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पेज आपका खुल जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपने क्वालिफाई हो गए होंगे तो यहाँ पर ग्रीन में हो जाएगा होगा, रेड में है तो समझिए आप क्वालिफाई नहीं होगा। आपका जो कटिव है जो 74 यहाँ पर गया है, 24 पॉइंट कुछ गया है यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका कटअप वाला जैसे भी आपका PDF डाउनलोड होता है मैं वो भी बता देता हूँ। और मैं बता दूँ कि बिना आपको एप्लीकेशन नंबर के आप नहीं देख पाएंगे, तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर मैंडेटरी दिया गया है। तो एप्लीकेशन नंबर आपको दो ही जगह पर मिल सकता है, सबसे पहले आपको Gmail ID पर आप जो भी फॉर्म फिल करते समय उस समय मिल जाएगा, और आपके एक एडमिट कार्ड पर यहाँ पर दिया होगा, तो आपको एडमिट कार्ड पर भी देख लेना है। एडमिट कार्ड पर देख करके आपको फिलअप कर लेना है। एडमिट कार्ड को फिलअप करने के बाद ही आप यहाँ से देख पाएंगे। चलिए मैं आपको सारी जानकारी देता हूँ। जैसे ही मेरा PDF डाउनलोड होता है PDF से आपकी दर्ज जानकारी देता हूँ। अब विदाउट एप्लीकेशन नंबर के आप चेक नहीं कर पाएंगे, तो इसे यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। और मेरे कैंडिडेट का जो यहाँ पर था, वो मेरा एडमिट कार्ड भेजा, उन्हें इसी कैंडिडेट से मैंने अपने देख पाया। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा एडमिट कार्ड से आप देख दो, तो मैं आप मेरा कमेंट बॉक्स में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और इन सभी डिटेल को छोड़ देंगे, और कौन सा पोस्ट पर अप्लाई किया था वो आप लिख देंगे, तो मैं आपको देख लूँगा। तो ये था कुछ जानकारी जो आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर जो भी होगा तभी आपको मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। तो मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है, जहाँ से आप सिंपली से अपना रिजल्ट को देख पाएंगे और एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे ही किसी कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं तो मैं उनका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करके आपको दिखला दूँगा। तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय हिंद। और मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही इसका एडमिट कार्ड का PDF कटअप का PDF डाउनलोड होता है, मैं कटअप भी आपको दिखला देता हूँ। तो सो गाइस मैंने काफ़ी देर वेट किया, उसके बाद भी यहाँ पर जो PDF है वो PDF डाउनलोड नहीं हुआ। तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है। जैसे ही आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा, मैं कटअप की वीडियो वहाँ पर बना दूंगा। कटअप की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।